हेलो व्यूवर्स, चंडीगढ़ में कॉलेज एडमिशन्स के लिए काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेरीज का रिप्लाई करने जा रहा हूं और कुछ आपको और भी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप कांटेक्ट करके अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेरीज में ये है कि डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करने हैं तो हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, क्या हम बनवाएं या फिर डिजी लॉकर में भी नहीं है, स्कूल से भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें। डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन कौन से अपलोड करने हैं। एक तो आपकी खुद की फ़ोटो, तो फोटो तो खैर आपके पास होगी, उसको आपको स्कैन करना है और JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। स्कैन कैसे करना है, उसको 0 से 50 के साइज़ में कैसे रखना है, वो सारी की सारी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फोटो के बाद आपको चाहिए होता है खुद का सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो इन तीन डॉक्यूमेंट्स को JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है और साइज आई थिंक 50 KB के आसपास है, तो वो साइज कैसे रिड्यूस करना है वो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो के को देखकर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जा रहे हैं। एक तो 10th का सर्टिफिकेट, अब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, तो उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसको PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए और PDF के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो सब वीडियो में आपको मिल जाएगा और उसका साइज़ 200 KB के अंडर रखिए। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या मांगा जा रहा है, 12th का सर्टिफिकेट। तो 12th का सर्टिफिकेट अभी आपको स्कूल से नहीं मिला होगा या कईयों को डिजी लॉकर में भी नहीं मिला होगा। जब आपको डिजी लॉकर में भी नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिल रहा, तो जो रिज़ल्ट देखा था आपने, रिज़ल्ट के समय जो आपके स्क्रीन पर जो भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। बट जहाँ तक मैं बात करूँ तो डिजी लॉकर में लगभग सारे बोर्ड्स ने अपलोड कर दिया, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका NIOS बोर्ड हो, लगभग काफ़ी सारे बोर्ड्स ने डिजी लॉकर में 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो एक बार डिजी लॉकर में चेक जरूर करें कि आपका 12th का सर्टिफिकेट वहाँ है या नहीं। अगर डिजी लॉकर में भी नहीं है और रियलिटी वाला जो स्कूल से मिलना था वो भी नहीं है, तब आप जब आपने रिज़ल्ट देखा था CBSE या किसी भी जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो उस रिज़ल्ट की कॉपी स्क्रीनशॉट लेके उसी को PDF फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो अभी ऑप्शनल रखा गया है। अगर आपको स्कूल से मिल गया है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं मिला है तो अभी आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको एडमिशन के समय उसको सबमिट करना होगा। इसके अलावा जिनका गैप है, गैप यानी कि +2 उन्होंने 2021 में पास नहीं की है, गैप का मतलब आपने 2020 में +2 पास की है, तो आपका एक साल का गैप हो गया। आपने 2019 में +2 पास की है तो 2 साल का गैप हो गया, तो ये जो गैप है उनको एक गैप सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा गैजेटेड ऑफिसर से, वो आप आसानी से बनवा सकते हैं किसी भी अपने आसपास जहां भी आपके कोर्ट होगी, तहसील होगी, वहां से बनवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज्ड कोर्स नहीं है। सेंट्रलाइज्ड कोर्स नहीं होने का मतलब ये है कि आपको हर एक कॉलेज में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब एक बार अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलेजेस में अप्लाई हो जाएगा। आपको सीट किस कॉलेज में मिलेगी वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉन सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि आपको हर एक कॉलेज में अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जो भी नॉन सेंट्रलाइज्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो 3 या 4 कॉलेज कम से कम भरें, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज में अप्लाई करके छोड़ देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो इसलिए आपको फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी है, आपको वही रजिस्ट्रेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करके उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करना है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर दीजिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 4 या 5 हैं, ताकि आपको किसी ना किसी में सीट मिलने का चांस रहे। और जो सेंट्रलाइज्ड में अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेफरेंस ऑर्डर कॉलेजेस की ध्यान से भरें।
इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हॉस्टल फ़ी रिफ़ंड होती है कि नहीं होती, तो हॉस्टल फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कि आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ था इससे पहले, लेकिन उसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट आता है, तो आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपने वहाँ फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी है, अब आपको उसको छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाना है, तो आप जा सकते हैं, फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट कटने के बाद, पूरा एग्जैक्ट उतने का अमाउंट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप कुछ हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, देखिए ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टर हायर एजुकेशन dhe.chd.gov.in। यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिलेंगे आपको, तो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए वहां से जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। या फिर देखिए यहाँ पे अलग से एडमिशन हेल्पलाइन नंबर्स दिए भी हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो जैसे कि आप प्रोस्पेक्टस देखिए, ये जो लिंक चल रहा है मूव कर रहा है इधर को, तो हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाके वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, प्रोस्पेक्टस में आपको हेल्पलाइन नंबर्स ईजिली मिल जाएंगे। तो ये देखिए कॉलेज प्रोस्पेक्टस है 2021 का, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए मैंने ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, इस प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो इसके कंटेंट्स में जाएंगे तो हर एक कॉलेज के प्रोस्पेक्टस पे होम टू कॉन्टैक्ट ये आपको मिलेगा। तो ये पेज नंबर 42 पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे अलग अलग क्वेरी के रिकॉर्डिंग। आपको हॉस्टल के बारे में जानना है तो अलग फ़ोन नंबर है, अकेडमिक्स के बारे में जानना है तो अलग है, तो वहाँ से जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं आप।